ये सोना तो एक अभी जो शिवसेना है ना, ये तो अभी सब धंधे वाली सेना हो गई है, धंधे वाली सेना हो गई है, ये तो सब अपना कारोबार करती है, इनको लोगों से कुछ पड़ी नहीं है। थैंक यू सर। सुना है मीत ने तुझे थप्पड़ मारा और मैडम ने भी उसका साथ दिया। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, महाराष्ट्र में उन्होंने कैबिनेट में पास किया था धनगर समाज को रिजर्वेशन देने का, वो दे नहीं पाए। शिवसेना के पास अपना बचा क्या है? रोज कहती है कि हम बीजेपी से हट जाएंगे, रोज उनके पीछे घूमती है, रोज कहती है उनको आह्वान करते हैं और रोज उनके साथ चाय पीती है, तो उनका अभी खुद का स्टेटस क्या हुआ है? शिवाजी महाराज की इस धरती के ऊपर बाला साहब ठाकरे ने जब आह्वान किया था वो और सेना थी, ये सोना तो एक अभी जो शिवसेना है ना, ये तो अभी सब धंधे वाली सेना हो गई है, धंधे वाली सेना हो गई है, ये तो सब अपना कारोबार करती है, इनको लोगों से कुछ पड़ी नहीं है। अरे वाह, बड़ी तासीर है रे तेरी अम्मा के नमक में, जो कोई खाता है हलाल हो जाता है। तू क्या समझता है कि तू जिंदा है? उफ, एक मर्द को तो शर्म से उसी दिन मर जाना चाहिए जब वो किसी औरत के हाथ का थप्पड़ खाता है, और फिर तुझे तुझे तो शर्म भी नहीं आई। दस के मारने वाला बिछुआ जिसे जिंदगी देता है वो तो खुश नसीब होगा ही। क्या, किस जिंदगी की बात कर रहे हो तुम लोग? वो जिंदगी जो औरत के लिए एक अजाब है, नर्क है, कलंक है, उन सब चीजों के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तूने हाथ उठाया और वो भी मेरे बिछुआ के ऊपर। किरण, ले जाए इसे और शेरों के जूठन पर मंडराने वाले भेड़ियों के हवाले कर दे, जो गोश के साथ साथ हड्डियों का भी बंटवारा कर देते हैं। ले जा। किरण रुक जा, मैडम नहीं मैडम, क्या फर्क पड़ता है इसके दो चार लाखों से? तुझे फर्क पड़ा होगा माँ, तू तो माँ है ना, वैसे भी डसने के बाद घायल जितना तड़पता है डसने वाले को उतना ही मजा आता, वैसे भी थोड़े दिन बाद ये तड़पना भूल जाएगी। तब तक नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, वरना मुझे मार दो प्लीज। तेरी औकात ही क्या है? हर औरत बाप भाई और पति के घर तक सिर्फ और सिर्फ इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होती है। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के काबिल तो मैं बनाती हूँ, लाश को जिंदगी देती है सिर्फ और सिर्फ जान की। औरत की जिंदगी त्याग है, दहलीज है, शर्म उसका जेवर है, हुस्न के बाजार में औरत नहीं उसका रूप होता है रूप। बगैर परिवार के औरत बिना सांस और आत्मा की तरह होती है, जो धिक्कार के लायक होती है। काहे बड़बड़ा रही है रे? जानवर भी अपने झुंड से कुछ समय के लिए अलग हो जाए तो वो लोग दोबारा अपने झुंड में उसे शामिल नहीं करते। बच्चा, बच्चा हर हाल में माँ बाप के लायक होता है, बच्चा हर हाल में माँ बाप के लायक होता है। पिछुआ, इसे इसकी माँ के पास पहुँचा दे, जब इसका भ्रम टूटेगा तब अकड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।